दोस्तों बात करें तो 2025 कुछ ही समय में आने वाला है, लेकिन 2025 के मोबाइल फोन्स में क्या आने वाला अगर आप ये सोच रहे हो। सबसे पहली चीज, 2025 में हर एक कंपनी अपने स्मार्टफोन्स को महंगे करने का प्लान कर रही है। जैसे कि ये साल आपको पता है कि 20 से 25000 रुपए का सेगमेंट थोड़ा सा गर्म था, 25000 रुपए तक लगभग हर कंपनी के ऑन एन एवरेज सभी फोन्स आ गए थे। इसी चीज को 30000 रुपए तक ले जाने का प्लान है। और अपकमिंग रेडमी नोट 14 की भी जो प्राइसिंग होगी, जो उसका प्रो प्लस वाला मॉडल होगा, उसे आप 30000 रुपए के ऊपर ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन रियलमी की 14 सीरीज के भी कुछ फोन 25000 रुपए के ऊपर, इवन कुछ फोन 30000 रुपए के ऊपर भी प्लेस किए जा सकते हैं। इसके साथ जो बड़ा मेजर एडवांसमेंट आएगा टेक्नोलॉजी वाइज इन सभी फोन्स के अंदर, वो होगा बिगर बैटरी का। अभी के समय में प्रॉब्लम ये थी कि ज्यादातर फोन में 5000 एमएच की बैटरी थी, और जब ज्यादा बड़ी बैटरी करने जाते थे तो फोन की स्लिमनेस को मेंटेन नहीं कर पाते थे, जिस कारण से मोबाइल फोन थिक हो जाता था। लेकिन पिछले कुछ समय में एडवांसमेंट हुआ बैटरी टेक्नोलॉजी के अंदर। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि बैटरी केमिस्ट्री के अंदर चेंजेस हुए, बैटरी काफी हद तक वैसी है, लेकिन यहाँ पर जो मेजर चेंजेस हुए वो हुए बैटरी के अंदर कुछ नई चीजों को इनपुट लेकर आना, जैसे सिलिकॉन एनोड बैटरीज का इंट्रोड्यूस करना, जिस कारण से पतले फॉर्म फैक्टर में ज्यादा एमएच की बैटरी को फिट किया जा सकता है। इस वजह से 2025 में 6000 एमएच बैटरी वाले फोन यहाँ पे काफी कॉमन होंगे, 7000-7500 एमएच भी जा सकते हैं। इवन कंपनी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को भी स्टेबल करने की कोशिश कर रही है कि फास्ट चार्जिंग ऐसी रखे कि बैटरी को ज्यादा डैमेज ना हो। इसके साथ ही अगली चीज होगी यहाँ पे मिड रेंज फोन्स को लेकर। यहाँ पे जितने भी मिड रेंज फोन्स होंगे जिनकी कीमत 20000 या अबव जा रही है, मतलब 20-30000 के रेंज में, उनके अंदर अच्छा प्रोसेसर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक अच्छा कैमरा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये वो रेंज होगी जहाँ पे आपको डिसेंट फोन्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिन्हें आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। और हर एक कंपनी इस सेगमेंट के अंदर अपने मोबाइल फोन्स को निकालेगी। लेकिन हाँ, जो सेगमेंट यहाँ पे थोड़ा सा नेग्लेक्टेड रहेगा 2025 में, वो 20000 के नीचे रहने वाला है। 20000 के नीचे कुछ फोन्स आएंगे, लेकिन ज्यादातर कंपनी यहाँ पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगी, उनका मेन फोकस होगा 20000 रुपए के सेगमेंट के ऊपर ही पहुंचना। इसके बाद बारी आती है फोल्डेबल फोन की। फोल्डेबल फोन को लेके बहुत सारी चीजें मार्केट में चल रही है, लेकिन आपको एक बात बता सकता हूँ कि कुछ ऐसी कंपनीज है जो नए फॉर्म फैक्टर्स को ट्राई करने वाली है। सबसे पहले शाओमी हो गई, ओप्पो ग्रुप हो गया, इवन सैमसंग हो गया। ये हुआवे का जो ट्रिपल फोल्डिंग फोन आया था ना, वैसा कुछ यहाँ पे ला सकते हैं, और इवन इसके एक लेवल ऊपर भी जा सकती है सैमसंग, जिसके अंदर वो अपना रोलेबल फोन को भी ला सकते हैं, जो बहुत ही सही चीज होगी अगर रोलेबल फोन जैसा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी रेडी है, बस प्रोडक्ट्स उसके मार्केट में नहीं है। फ्लिप फोन्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगी 2025 में, और वो होगी इनकी कीमत है थोड़ी सी अफोर्डेबल रेट में करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी 50000 के नीचे फोल्डेबल फोन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इनकी कीमत 50000 के ऊपर रहेगी, और ज्यादातर कंपनी 70-75000 तक अपने फोल्डेबल फोन्स को लेकर आएंगी। बेसिकली ये बीच का एक मिड रेंज स्टेप होगा, जहां पर कंपनीज के लिए क्या रहेगा कि अगर आप हमारा प्रीमियम फोन नहीं ले सकते तो फोल्डेबल फोन ले लो। लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्या, जब भी मैं 50000 रुपीज के ऊपर के सेगमेंट के बारे में बात करता हूं ना, वहां पे ज्यादातर लोग की प्रायोरिटी एप्पल का आईफोन हो जाता है, और आईफोन से लड़ पाना हर एक कंपनी अपने अपने रूप में ट्राई कर रही है, और फोल्डेबल उन्हें एक मौका दिख रहा है कि जहां पे अगर हम आईफोन की कीमत के आसपास अपना एक फोल्डेबल फोन लें तो क्या लोग हमारा फोल्डेबल फोन लेंगे कि नहीं लेंगे। इसको लेके बात करते हैं कैमरा की। तो हाँ यार, कैमरास के अंदर आपको प्रीमियम सेगमेंट में काफी अच्छे कैमरा फोन्स देखने को मिले, इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन अब टाइम आ गया कि इनकी कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज आपको मिड रेंज फोन्स में देखने को मिलेगी, जैसे कि वीवो अपनी ज़ाइस टेक्नोलॉजी को लेकर आई थी वी सीरीज के अंदर। इसी के साथ ही शायद और अफोर्डेबल रेट में ज़ाइस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकते हो, कैमरास को और बेटर कर सकते हैं, और फ्लैगशिप फोन्स के अंदर ऑब्वियसली फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस बेटर होगा। लेकिन हर एक कंपनी इस समय ट्राई कर रही है अपने फोन्स के अंदर वीडियोग्राफी को पहले से ज्यादा बेटर करने में। इसके बाद जो अगला बड़ा इंप्रूवमेंट होगा वो होगा डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले में हाई ब्राइटनेस लेवल, हाई रिफ्रेश रेट, ये सारी चीजें रहेंगी, लेकिन ओवरऑल पैनल के कलर्स, कैलिब्रेशन, कलर्स क्वालिटी, इस पे ज्यादा फोकस होगा। डॉल्बी विजन मोबाइल फोन के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा, ये कई सारी ब्रांड्स यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, और HDR की परफॉर्मेंस को बेटर किया जाएगा। और इस बार पूरी ये कोशिश की जाएगी कि अब जो फोन्स निकाले उसमें कम से कम ग्रीन लाइन आपको देखने को ना मिले, अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स और क्वालिटी कंट्रोल पे मेजर फोकस है इस समय, क्योंकि अब किसी कंपनी ने यहाँ पे गड़बड़ कर दी 2025 में उसका पत्ता आने वाले समय में कट सकता है। इसके साथ ही कंपोनेंट्स की क्वालिटी यहाँ पर भी कम किया जाएगा, और हर एक कंपनी की प्रायोरिटी यहाँ पर है लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट देने की, कि कैसे हम अपने मोबाइल फोन्स को ओवरऑल एक बेटर अपडेट प्रोवाइड करें और जल्दी से जल्दी अपडेट दे। हालांकि ये चीजें बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म की है, शॉर्ट टर्म में हम देख नहीं सकते इसका एक इम्पैक्ट, लेकिन हाँ, ज्यादातर कंपनीज अपने फोन के अंदर 3-4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस यहाँ पे करेंगी। खैर, ये एक तो एक यहाँ पे काम रहने वाला है, लेकिन बात करें 2024 इतना ज्यादा खास ईयर नहीं रहा ज्यादातर कंपनीज के लिए।
कई सारी कंपनीज के मेजोरिटी फोन्स की सेल्स तो हुई थी लेकिन वो बजट कैटेगरी के थे और इस टाइप की सेल्स रेप्लिकेट ये लोग 2025 में करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ करके ये अपने फोन्स को और ज्यादा बेटर पुश करें। और स्पेसिफिकली इस बार जो फोकस मैं देख रहा हूँ सभी कंपनीज का जो 2025 में जा रही है वो ये है कि कैसे हम अपने प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन्स को लेकर आए। ये बहुत ही सही चीज है, जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट के फोन्स अभी आपको देखने को मिल जाएंगे, डिमेंसिटी 9400 के फोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे और ऐसे ही फ्लैगशिप प्रोसेसर जितने भी रहेंगे इसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जुड़ा हुआ है, क्या ये फ्लैगशिप प्रोसेसर हीटिंग कॉज कर सकते हैं? क्योंकि Xiaomi 15, Realme GT 7 Pro इनका लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है चाइनीज मार्केट में और चाइनीज मार्केट से रिपोर्ट आ चुकी है कि इन फोन के अंदर हो रही है ओवरहीटिंग। अब सवाल ये, क्या ये ओवरहीटिंग इन प्रोसेसर्स के कारण है जो नए आए हैं या फिर इनके सॉफ्टवेयर इश्यूज के कारण है क्योंकि प्रॉपर टेस्टिंग ना करते हुए जल्दीबाजी में Xiaomi Realme ने अपने फोन्स निकाले हैं? अगर ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर वाली है तो आपको दूसरे फोन्स में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर ये हार्डवेयर चिप लेवल की प्रॉब्लम है तो शायद एक मैं कह रहा हूँ कि फिर से गर्मा गर्म प्रोसेसर का जमाना आ सकता है। हर 2-3 साल में ट्रेंड आता है जिसमें एक साल आपको सिर्फ गर्म प्रोसेसर होते हैं, तो 2025 में गर्म प्रोसेसर होंगे कि नहीं होंगे देखने वाली बात होगी। और जब भी कैसा जमाना आता है मैं तो ये बोलता हूँ कि पुराना फोन ले लो या फिर आप अफोर्डेबल ऑप्शन में दूसरे ऑप्शन को ट्राई कर लो, वहां पर आपको बेटर चीज मिलेगी, ये भी एक बात है। इसके साथ ही हर एक कंपनी यूनिक स्ट्रेटजीज के साथ काम कर रही है। Realme ने तो पूरा प्रोडक्ट रोड मैप तैयार कर लिया, ऑलमोस्ट आपका पूरा 2025 का बहुत सारे फोन्स लॉन्च करने वाली है। Xiaomi जैसी कंपनी लिमिटेड फोन्स लॉन्च करेगी लेकिन उसके प्रोडक्ट्स जो पहला लॉन्च होगा वो जनवरी में हो जाएगा। इसी के साथ ही पोको भी जनवरी से यहाँ पे एग्रेसिव हो जाएगी और फर्स्ट 6 मंथ्स तक एक्टिव रहेगी। Motorola के बारे में बात करें तो ये आज के समय में अपने ज्यादातर फोन्स ODM के साथ बना रहे हैं, 90% Motorola के फोन्स ODM बेस्ड हैं। इस वजह से जो Motorola है वो काफी सारे मेजोरिटी फोन्स को पुश करेगी, लेकिन देखने वाली बात है कि उनके फोन्स के साथ क्या रहता है। लावा के साथ बस उम्मीद कर सकते कि अग्नि 4 और अपनी ब्लेज सीरीज में एक अच्छा काम करे और पहले से बेटर और एग्रेसिव फोन्स निकाले तो वो यहाँ पे चल सकते हैं। इसके साथ ही टेक्नो अपने आपको प्रीमियम में ले जाने की कोशिश करेगी, इन्फिनिक्स भी कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेगी, लेकिन उनकी जो मेजर ऑडियंस है वो है टीयर 3 मार्केट के अंदर। इसके साथ ही बात करें तो सैमसंग की S25 लाइनअप आने वाली है जिसके अंदर इस बार एग्जोनोस और स्नैपड्रैगन का कॉम्बिनेशन होगा। अल्ट्रा में तो स्नैपड्रैगन आएगा और उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी वो यहाँ पर देखते हैं। और बात करें ओप्पो और वीवो की तो ये लोग मोस्टली अपने ऑफलाइन पे ही फिर से यहाँ पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। देखने वाली बात है 2025 में और क्या चीजें होती है। हालांकि एक बात बता सकता हूँ, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में एक इंप्रूवमेंट आएगा, कुछ बेटर चीजें आपको मिड रेंज फोन में देखने को मिलेंगी और बैटरी इस बार ऐसी होगी ज्यादातर फोन की जिसे आप एक दिन नहीं 1.5 दिन यहाँ पे यूज पाएंगे, तो वो एक इंटरेस्टिंग बात होगी यहाँ पे। बाकी आप लोग क्या लगता है कि 2025 में आप लोगों के हिसाब से मोबाइल फोन में क्या चीजें आनी चाहिए? सच बात तो है कि ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं आने वाले, रिफाइनमेंट्स आने वाले हैं और जितनी मैंने बातें बताई इतनी ही बातें आएंगी, इसमें से कुछ थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हो सकती है लेकिन मोस्टली चीजें यहाँ पे यही रहने वाली है। बाकी आप लोगों का जो ओपिनियन है नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। थैंक यू बने रहने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।